इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है। तो साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन की केस है, ठीक है। साइन इनवर्स इटसेल्फ एक्स का फंक्शन ना होके एक फंक्शन का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करिए, आउटर फंक्शन आपका साइन हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे सोचिए कि एक्स की अगर कोई वैल्यू प्लेस करते हो आप, ठीक है, तो ई की पावर ई उसको ऑपरेट करेगा, मतलब ई के ऊपर ऑपरेट होगा, फिर जो वैल्यू आएगी वो टैन इनवर्स ऑपरेट करेगा, सॉरी एक्स जब रखोगे तब माइनस एक्स ऑपरेट करेगा, ठीक है। और माइनस एक्स जो वैल्यू आएगा वो ई की पावर पे जाएगा, और ई ऑपरेट करेगा, जो ई की वैल्यू आएगी फिर वो हम टैन इनवर्स में रखेंगे। तो ये सीक्वेंस हो गया कि टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स इज अ फंक्शन ऑफ ई की पावर, ठीक है। अच्छा इधर साइन भी है, सॉरी अभी साइन भी है, तो ये आउटर फंक्शन हो गया। तो साइन इज अ फंक्शन ऑफ टेन, और ये पूरा लिखा हुआ है टेन इनवर्स इज अ फंक्शन ऑफ दिस वन, ई इज अ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, एंड माइनस एक्स इज इटसेल्फ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये सीक्वेंस है। अब अगर हम मानना स्टार्ट करते हैं तो ये चीज हमें क्या माननी पड़ेगी, यू माननी पड़ेगी, ठीक है, जो हमारा ये पूरा है यू। तो हम कहेंगे लेट वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ यू, वेयर यू क्या हो गया आपका, यू हो गया टेन इनवर्स ऑफ, अब अंदर जो भी चीज है उसे वी मान लीजिए, तो वी क्या है आपका, वी हो गया ई की पावर माइनस एक्स है, तो उसको वी कुछ डब्ल्यू एज्यूम कर लीजिए, तो डब्ल्यू क्या हो गया आपका, माइनस एक्स हो गया। मतलब वो डब्ल्यू आखिरी फंक्शन है जो एक्स का फंक्शन है, डब्ल्यू आखिरी फंक्शन जो है एक्स का फंक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे वाई को यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यू को वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और v को w के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और w को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy by du, that is d by du of sin u, क्या आ जाएगा आपका, cos u, लेकिन u हमारा डमी वेरिएबल है, तो ओरिजिनल वेरिएबल u की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये आपका u रहा tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये तमाम ब्रैकेट लगा दीजिए, से दैट इज रिजल्ट नंबर वन आ गया। इसी तरह से यहां पे du बाई डी वी निकालेंगे, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दैट इज वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, वी डमी वेरिएबल है, ओरिजिनल वेरिएबल v की जगह पे क्या आएगा आपका, e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये टू मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पे, तो वन बाई वन प्लस e की पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा, दैट इज योर सेकेंड रिजल्ट। फिर यहाँ पे डी वी बाई डी डब्ल्यू निकालेंगे, तो दैट इज डी बाई डी डब्ल्यू ऑफ ई, अब ई की पावर का हमेशा डिफरेंशियल ई की पावर ही होता है, अब डब्ल्यू डब्ल्यू वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स हो गया, तो दैट इज डी वी बाई डी डब्ल्यू, दैट इज योर थर्ड रिजल्ट। नाउ इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का माइनस बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी माइनस वन, दैट इज योर फोर्थ रिजल्ट। नाउ अब हमें फाइनली dy बाई डी एक्स निकालना था, तो dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी डब्ल्यू एंड डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, इतनी लंबी चेन है। अब ये सारा हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, एंड देन अपॉन लिख देते हैं वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, और ये क्या हो गया, ई की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस सबसे पहले लिख देते हैं, दैट इज योर आंसर।